हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज संडे है, छुट्टी का दिन, और प्लानिंग्स है काफ़ी सारी। तो घर पे सिर्फ मैं, दादी, मम्मी, हम तीन हैं। पापा सुबह सुबह चले गए हैं खाटू श्याम, तो बाबा के दर्शन करने। अचानक से कल रात को पापा का बुलावा आ गया। बुलावा तो ऐसे ही आता है सडनली। पिछली बार भी आपको पता ही है पापा का एकदम सडन बुलावा आया था, और इस बार तो ना बिल्कुल ही। पिछले सैटरडे को प्लान किया था पापा ने, बट वो नहीं हो पाया ऐसे ही, क्योंकि और साथ जाने वाला कोई तैयार नहीं हो रहा था। फिर कल रात को पापा ऐसे ही बात कर रहे थे कि पिछले सैटरडे को प्लान किया था, अभी नहीं हुआ, पता नहीं कब जाने का मौका मिलेगा, कब बुलावा आएगा। और तभी मामा का फ़ोन आ गया, संजय मामा का। और फिर सुबह सुबह आज चले गए मामा और पापा खाटू श्याम। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, चूरू पहुंच गए हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे, गाड़ी में गए हैं। और दादी जी पीछे अभी आराम से सो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल तो पोछा लगा दिया है मैंने, मम्मी ने झाड़ू निकाल दी, मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया। और मैं अक्षय जाएंगे, फ़िलहाल तो पावड़ा जाने का प्लान है, उसके बाद फिर मंडी जाना है हमें, कुछ काम है, पाबड़ा से घर का सामान वगैरह ले आना है, तो वहाँ जा आते हैं। वहाँ से आने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? फिर उगलाना चलेंगे, आपको भी उगलाना लेके जाएंगे। तो अभी माता जी खा रही हैं खाना, है माता जी? क्या है फिर आपके खाने में आज? आज तो मैं चटनी बनाई हरी मिर्च टमाटर की। लाल मिर्च खानी तो अरे मैं नहीं खाता सब्जी, में तो खा लू नहीं, को नहीं खाई जावे फिर। और टमाटर भी कितना गिरया? बचे एक रहा था एक है। यू के लासी ले रहे हो दूध? लासी भी नहीं है। अच्छा, आधी भूखे रहना ना काम रहना। और आज मम्मी ने दवाई भी दवा के लियावांगे, वो एक काम है, एक मेन तो मंडी जान का। दादी की भी दवाई लेके आनी है, वो तो डॉक्टर अपने आप देंगे, अब दादी को मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगे घटिया आदमी चुप रहे ये तो मुझे ऐसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब अगर ये लगेगा ना कि दादी को भी दिखा के आना है, तो फिर कल पापा आ जाएंगे तो पापा दिखा लाएंगे। दादी हम पे तो दवाई लेने में भी भरोसा नहीं करते, पापा ही आगे देते हैं, और मम्मी को दिखा लेंगे। सुप्रीम को दिखनी थी इसकी, कड़वी स्क्रीन दिखाइए। ये इतनी सी कि मैंने इतनी का तो खला है, बंद हो या पड़े बेचारा कहलगा। तो अभी मैं नहाने की तैयारी कर रहा था, नहा लेते हैं और नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये तेरी त्रिया हूँ मैं के रहन दे, मैं सुनूंगा उधर गल्ला पानी के छिंटे लग गए उसमें नहा लिया। पापा हाँ पापा तीन तीन बार नह गए आज सवेरे सवेरे, और नींद हाँ वही, क्योंकि सुबह सुबह तैयार होना था ना नींद उड़ाने के लिए, बार बार ना आ रहे थे। और ये भी अपना भी खाना खाने लग गया है, अभी नहाना भी पड़ेगा, बाहर इतनी गर्मी है। पहले हम पावड़ा जाके आए, फिर चाचा की चाय देने के लिए मैं और अक्षय खेतने गए एकदम गर्मी में। फिर अभी जाना तो है, उगलाना तो नहाना तो पड़ेगा, और लेकिन एसी चल रहा है एकदम ठंडा ठंडा, अभी नहाने का मन तो नहीं कर रहा, बट क्योंकि जाना है लेट हो रहे हैं, तो नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं नहा के तैयार हूँ, बस अभी माता जी नहाने रहते हैं, फिर चलते हैं और आपको भी लेके जाते हैं उगलाना मंडी। तो चल रहे हैं अभी हम लोग, हो रही है देखो जैसे शादी में जा रहे हैं, ऐसे सजदे के जा रहे हैं। चलो देखियो काम। दादी बाय बाय बाय।
चलो हम लोग उकलाना मंडी। अभी पहले मम्मी की दवाई लेंगे, डेंटिस्ट के पास आए हैं मम्मी को लेके। चलो चलते हैं, माता जी तो चली हुई है अंदर। माता जी कटवा दें आज आपकी सारी जाड़, ताजी गलवा जाए के करवाओगे और फिर एक्सपीरियंस है बाकी आपने नहीं डेंटिस्ट दौरान। तो माता जी जाड़ का एक्सरे करवा लिया है और अभी दादी जी की दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। चलो यहाँ पे पता नहीं जागरण था या होगा, क्या लगता है? हाँ कल का था। अच्छा अभी माता जी जा रहे हैं दवाई लेने। चलो ये सडोना पे भी चलेंगे। तो ये अंकल जी दादी की दवाइयाँ देने से मना कर रहे हैं। क्या था मना करो अंकल? तो दादी जी की दवाइयाँ लेके अब हम लोग चल पड़े हैं। और आज कैशियर मेरे को बना रखा है, ये पापा का पुराना वॉलेट पड़ा था घर पे, मम्मी ने यही दे दिया। हम बोलो बाला जी का जागरण था। अच्छा लाइव चल रहा था, लाइव चल रहा था, ये सामने सेटअप भी था। तो राखियाँ लेने आए हम लोग, सिंपल सिंपल राखियाँ देख रहे हैं एकदम। आर सिटी करवा ली हमने, दादी की दवाई भी ले ली, राखियाँ भी ले ली, घर जाके दिखाएंगे। बिल्कुल धूप हो गई है और अभी चलते हैं सीधा घर। तो घर जाने के बाद ही मिलते हैं आपसे। पहुँच गए हम लोग घर पे, गर्मी एकदम बुरा हाल कर दिया धूप ने। तो मामा मामी आए थे उकलाना और अमरूद दे गए। तो रात को नानी का फ़ोन आया था कि मंडी आओ तो बता के आना, फिर आज फ़ोन किया तो मामा मामी बोले हम आ रहे हैं सिर्फ इनके लिए। ओ कद्दू भी भेज दिया, अमरूद का फूट गया, अमरूद फूट गया, मामा ने नहीं उगाया था, नींबू भी मामा ने नहीं उगाया था, अमरूद सैम के लेके जाइयो फूट गई हैं, फूट गई। तो दादी के नरम नरम छाटे जा रहे हैं चुंदड़ी दे के गई है दादी की। ये क्या ये दादी की और ये स्टॉल नीचे वाला मम्मी का दे दो और ये मम्मी का स्टॉल दे के गए हैं। मतलब बाकी स्टॉल का मैं छाल ला गया पर फिर यूं तो मैं उठूं उठ गया यार सूटर का लगा। अच्छा मैंने कौन सा ला क्या करते मैंने कौन सा ला गया तो स्टॉल और ये ले आए खरीद का और राखी। एकदम सिंपल चाहिए थी मेरे को, ऐसे मेरे को ऐसी ऐसी चाहिए थी जो मेरी पुरानी वाली है। और देखो आपको कौन सी अच्छी लगी इसमें से, इसमें से एक मेरी पसंद है एक मम्मी की पसंद है। वैसे तो देखो दोनों ही मम्मी की पसंद है लेकिन एक मम्मी की ज़्यादा पसंद है और एक थोड़ी कम। बताओ कौन सी? हाँ गिर जा भाई तो अपने आप, ये है मम्मी की पसंद और ये मेरी। और ये मेरे मामा का पता नहीं क्या वो है, तीन ही नींबू पहले भेजे थे और तीन नींबू अब भेजे हैं। मैं तो हूँ मजाक वाला उसमें गऊ हूँ कि कोइंसिडेंस ऐसा है कि तीन ही पिछली बार थे तीन ही इस बार आए हैं और एक बार अमरूद आ लिए। हाँ तीन बार अमरूद आ लिए
और पिछली बार कद्दू आया था, इस बार पेठा आया है। होते अमरूद मीठे को ना रहे, इतने मीठे होने जा रहे। पानी ला दिया ना, पानी ला दिया। और कुछ तो अभी सो के उठे हम लोग, कॉफ़ी पी है थोड़ी सी नींद खोलने के लिए। दिन में सोने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है, बट दो दिन की नींद हो गई थी। कल भी ऐसे कुछ खास नींद नहीं आई और परसों भी, तो आज मैं आज तो सो ही जाते हैं एकदम। और धूप में आए थे उकलाना से, एकदम सर दर्द हो रहा था, सर ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो आँख लग गई। हाँ, सोया भी 3 बजे, फिर 5 बजे उठा, 2 घंटे की नींद ली आराम से। सही, लेकिन ये है मेरी ये आदत भी है कि अगर दिन में मैं 5 मिनट भी सो जाऊँ ना, तो मेरे को रात को नींद नहीं आती। देखते हैं क्या रहेगा, रात को अच्छे से नींद आएगी या नहीं। आज तो नींद पूरी कर ही ली 2 दिन की, सर बिल्कुल घूम रहा था, आ गई भाई नींद लग गई, फिर 2 घंटे की आराम से नींद निकाली। मम्मी का तो है दिन में सोने की आदत। तो सब्जी मैंने बना दी है आलू की, और आज ना तो प्याज पड़ने थे ना लहसुन, और टमाटर भी खत्म हो गए थे, तो जस्ट आलू वो हाँ जीरे का छौंक लगा के और हरी मिर्च वाले बनाए हैं। और मम्मी बना रही है रोटियाँ, पापा और पता नहीं कब तक आएंगे, कब तक आएंगे क्या लगता है? 1 घंटा और। तो टाइम हो गया है, रात के 10 बज चुके हैं, और जब क्लिप इससे पिछली क्लिप बनाई थी तब 9 बजे थे, तो 1 घंटा हो गया उन बातों को। और अभी पापा से बात हुई थी तो पापा कह रहे थे 1.5 घंटा और लगेगा, बीच में वो कहीं रुक गए थे, मामा के कोई फ्रेंड वगैरह मिल गए थे। तो अभी बना रहे हैं बनाना शेक, मैं तो अभी ये सो रहा हूँ, पापा और कह रहे हैं 1.5 घंटा लगेगा, तो देखते हैं वेट करेंगे या सो जाएंगे। तो थे मम्मा को वेट करना है, करना मैं कैसे सो सकती हूँ? आपके तो पति और आपके भाई आओगे। और मम्मी जी ने कर दी है खाना बनाने की तैयारी शुरू, है माता जी? सब्जी तो मन्ने बनाई है, बना दें मम्मी गर्मा गर्म फुलके और पराठे। पराठे बनाओगे? अच्छा, ऑर्डर आए हैं पिताजी के, है नहीं? और मम्मी का भाई गल्ला है तो मम्मी मना भी नहीं कर सकती। चाय गल्ला परोठे खाओगे? अच्छा, भाई खातर ही बनाओ, मतलब मेरे पापा की तो डिमांड डिमांड नहीं है। नहीं, हाँ पापा शाम को खाओगे नहीं परोठे? सच्ची पापा तो चूर के 2 रोटी खाओगे। आपके भ्राता, ये मेरे मामा मैंने कोई कंटेंट नहीं देते। बिना कोई कंटेंट दिए मामा जा रहे हैं। मैंने देखा है नहीं वाला। ठीक है चलो राम तो जाइए बेरे, हैं? उड़ को सीधा ही तुम्हारे घर का फोगड़ा कर दिए। बाय पिता। तो मामा मेरे लिए एक तो ये स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले लेके आए हैं, और बोले नमकीन खानी है तो ले आ, तो मैं ये भी ले आया। तो 12:30 का टाइम हो गया है, और क्लिप बढ़ाने नहीं दी मामा ने, फ़ोन अपने पास रख लिया, कहते नहीं कोई वीडियो नहीं बनानी, बिना कंटेंट दिए मेरे मामा चले गए। और काफ़ी इंसिस्ट किया हमने कि रुक जाओ, बट फिर मामा बोले कि पास ही तो है, अब चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और तो ये ब्लॉग बस इतना ही था, कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।